और सीधा बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस अधिकारी और झारखंड की खनन सचिव रही पूजा सिंघल मामले में अब अंतर्राष्ट्रीय लिंक सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि पाकुड़ से स्टोन चिप्स यानी गिट्टी को अवैध तरीके से गंगा नदी के जरिए बांग्लादेश ले जाया जाता था। ईडी 3 दिनों से दुमका पाकुड़ के जिला खनन अधिकारी से पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में अवतार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूछताछ में पता चला है कि पाकुड़ से स्टोन चिप्स यानी गिट्टी को अवैध तरीके से गंगा नदी के जरिए बांग्लादेश ले जाया जाता था। 3 दिन से ईडी दुमका और पाकुड़ के जिला खनन अधिकारी से पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। शशांक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा। जी देखिए, ये जो पूजा सिंघल का जो मामला था, मनरेगा घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन ये मामला जो है ईडी जांच पूरी तरह खनन विभाग की तरफ शिफ्ट कर चुका है और अवैध खनन को लेकर इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 3 दिन से लगातार 3 दिन से दुमका पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ हो रही है और उसमें इस पूजा सिंघल मामले का जो है इंटरनेशनल लिंक सामने आया है। पाकुड़ और दुमका के जो डीएमओ है उन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि साहेब, ये जो पाकुड़ का स्टोन चिप्स है जिसको गिट्टी बोलते हैं, पूरे एशिया में इसकी डिमांड है, ये काफी हल्के रहते हैं, तो ये जो स्टोन चिप्स है वो बांग्लादेश जाया करते थे, साहेबगंज के रास्ते गंगा नदी के जरिए अवैध तरीके से इसको बांग्लादेश भेजा जाता था और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इसको बांग्लादेश से दूसरे देशों में इसको भी वहां से भेजा जाता था। समझिए कि बांग्लादेश यहाँ से जा रहा है, फिर बांग्लादेश से दूसरे देशों में इसको भेजा जाता था, तो एक बड़े स्तर पर इसकी तस्करी हो रही थी। हमारे रिसर्च सूत्र बता रहे हैं कि डीएमओ ने पूछताछ में खुलासा किया है। अब इस पूरे मामले में ईडी जो है पूजा सिंघल मामले का इंटरनेशनल लिंक अब खंगालना आज से शुरू करेगी और डीएमओ ने जो बात ये कही है, आज पूजा सिंघल से इसी बात को स्वीकार कराना ईडी चाहेगी कि इस तरह से दोनों डीएमओ ने स्वीकार किया है, इसके बारे में आप कितना जानती हैं और आपकी इसमें कितनी भूमिका है। आज ईडी का जो इसमें होगा इंटरनेशनल लिंक सामने आने से ये मामला बहुत बड़ा बनता जा रहा है और ईडी आज पूरी तरीके से इस मामले पर पूजा सिंघल की घेराबंदी करेगी और कोशिश करेगी कि वो भी इस मामले को स्वीकार करे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।